मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सक्सेस संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। सरकार की जो पॉलिसी है तथा बेहतर कानून व्यवस्था का जो एक मॉडल दिया गया है, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले एक वर्ष में हम कुल 1,00,000 लोग विभाग में लेंगे। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सक्सेस संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। आपने खुद कल देखा होगा कि कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना इन्वेस्टमेंट विभिन्न देश और विदेश के कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है तथा बेहतर कानून व्यवस्था का जो एक मॉडल दिया गया है, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। उसी क्रम में ये बच्चे जो कि एक ट्रांसपेरेंट भर्ती प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, ये जनता की, समाज की, विभाग की और देश की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले एक वर्ष में हम कुल 1,00,000 लोग विभाग में लेंगे, जिससे कि लगभग 60,000 ये और आने आगे 40,000 और भी भर्ती जब होगी, तो अगर ट्रेनिंग हम पूरा कर लें तो अगले 1.5 से 2 वर्ष के भीतर 1,00,000 से अधिक मेधावी कांस्टेबलरी हमारे पास अवेलेबल होगी, जो लंबे समय तक प्रदेश की सेवा करेगी और एक अंतर्विभागीय समन्वय के साथ बेहतर व्यवस्था का परिणाम है कि भर्ती का एक अपने आप में उत्तर प्रदेश का मॉडल भी आज देश के सामने है और सभी लोग संतुष्ट हैं और एक टीम वर्क का ये प्रतिफल है कि इस तरह से के परिणाम आ रहे हैं। ये सभी ऐसे गलत लोग रहते हैं जो परीक्षाओं की शुचिता को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उस पर हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीम लगातार कार्य कर रही है और जैसा कि मैंने बताया कि एक टीम भावना के रूप में पूरा पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, रेल विभाग, प्रशासनिक अमला सबने साथ मिलकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, जिसके फलस्वरूप ये चीज़ संभव हो सकी।